देश में कोरोना संक्रमण के 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले पाए जाने का क्रम जारी है। हालांकि मौतों की संख्या में गुरुवार को कमी दर्ज की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,76,110 नए कोरोना केस आए हैं और 3,874 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 96,841 एक्टिव केस कम हुए हैं। इसमें पहले मंगलवार को 2.67 लाख, सोमवार को 2.63 लाख नए केस दर्ज किए गए थे। 19 मई तक देश भर में 18,70,09,792 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 11,66,090 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन की, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले गुरुवार को 712 नए मामले, शुक्रवार को 921 नए मामले, शनिवार को 949 नए मामले, रविवार को 105 नए मामले, सोमवार को 835 नए मामले, मंगलवार को 1035 नए मामले, बुधवार को 1103 नए मामले और आज गुरुवार को 1235 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 30,232 से 31,467 हो गई है। जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 1,1200 से कम नहीं आ रहे हैं, जो डराने वाली बात है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।